सभी दर्शकों को मेरा प्यार भाई नमस्कार, कैसे हो सभी। तो अभी हम हैं हैदराबाद में और हैदराबाद हम कल सुबह आकर पहुंचे थे, लेकिन कल पूरे दिन हमें टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो अभी हम जा रहे हैं कुतुब शाही मकबरा और वहां पर दो फिल्मों की शूटिंग अब तक हुई है, और भी हुई होगी उनका मुझे नॉलेज नहीं है। तो एक फिल्म है सूर्यवंशम जो कि अमिताभ बच्चन साहब की है, इसकी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बलराम पैलेस दिखाया था गुजरात का, और यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई है वो है इतिहास। तो सूर्यवंशम फिल्म का एक सीन यहाँ पर लिया गया था, जब फिल्म के शुरुआत में अमिताभ बच्चन साहब फैसला सुनाते हैं, पंचायत वहाँ पर इकट्ठी होती है, तो वो सीन वहीं पर शूट किया गया था कुतुब शाही मकबरा में, और एक इतिहास फिल्म का गाना वहाँ पर शूट हुआ। జీరా చూడండి రే, సీదో చల్వే కయ్య ఆర్మే అరే ఎత్తుకు చలే సీదో నీకు యార్ సీదో ఇది జా రో రోడ్ యార్ पहुंच चुके हैं हम कुतुब शाही मकबरा, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट मिलता है। तो मकबरा देखने का टिकट 10 रुपये का है, लेकिन अगर फोटो वीडियो शूट करते हैं तो उसका टिकट 200 रुपये का। चलिए दिखाते हैं आपको टिकट काउंटर का नज़ारा, फिर चलते हैं अंदर। यहाँ से जाएंगे अभी हम अंदर, और यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए कितना चार्जेज है। अंदर आ चुके हैं अभी हम, और इधर एक ये मकबरा बना है, और इधर एक ये बना है, और उधर बनाया सामने एक, और एक इधर बना है, एक इधर बना है। अब देखिए चलते हैं, देखते हैं कौन से मकबरे में शूटिंग हुई है फिल्म की। अंदर आते ही अभी हमें सूर्यवंशम फिल्म की शूटिंग लोकेशन मिली है। मेरे पीछे आप जो मकबरा देख रहे हैं, इसी मकबरे के कॉर्नर पर बैठकर अमिताभ बच्चन साहब जो है पंचायत को फैसला सुनाते हैं, उसके बाद विलेन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो यहाँ पर वो पेड़ के नीचे बैठते हैं, एक पेड़ होता है उनके पीछे, तो वो पेड़ अभी यहाँ पर है नहीं, शायद वो यहाँ से उखड़ गया है या फिर काट दिया पता नहीं। और जिस टेबल पर बैठते थे अमिताभ बच्चन साहब वो भी नहीं है, शायद वो फिल्म वालों ने सेट लगाया होगा। तो चलिए यहाँ पे सूर्यवंशम पे लोकेशन दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको इतिहास फिल्म की शूटिंग लोकेशन, क्योंकि वो भी यहीं पर शूट हुई थी इसी मकबरे पर। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे मकबरे हैं, एक ये बना है और आसपास में कई सारे बने हैं, तो वो देखना पड़ेगा कौन से में इतिहास फिल्म शूट हुई थी। तो चलिए पहले ये देखते हैं और फिर देखते हैं इतिहास फिल्म की शूटिंग लोकेशन। तो फिल्म सूर्यवंशम में सबसे पहले सीन यहाँ पर शूट किया गया था, कैमरा देखिए नीचे से एंगल किया गया था ऐसे करके, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट में, मैं थोड़ा दूर हूँ अभी, स्क्रीनशॉट थोड़ा नज़दीक से। तो ये वाला पत्थर दिखाया गया था, ये थोड़ा मुड़ा हुआ भी है, और ऐसे करके कैमरा एंगल किया गया था, फिर बाद में ऊपर का सीन दिखाया गया था। पहले यहाँ पर पेड़ था लेकिन अभी वो पेड़ है नहीं, और उसके जस्ट बाद दूसरा सीन यहाँ पर फिल्म में गया था, जब इसमें देखिए वो दो जो चोटी हैं वो दिख रही हैं, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट में, और पूरी गुम्बद को नहीं दिखाया गया था, लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पूरी गुम्बद को ऊपर से। तो दूसरा सीन यहाँ पर फिल्म में गया था, और फिल्म के तीसरे सीन में ये जो झरोखे आप देख रहे हैं इनको दिखाया गया है, और इन पर झरोखे के ऊपर जो निशान बने हुए हैं इनको भी दिखाया गया है, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट में ध्यानपूर्वक। तो पूरा सीन यहीं पर फिल्म में गया था, और फिल्म का एक सीन जो है थोड़ा दूर से फिल्माया गया था, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित जी बैठे हुए होते हैं, पीछे पेड़ दिख रहा है और पीछे के झरोखे पूरे दिख रहे हैं, झरोखे बस इतने से सीन दिख रहा हुआ है झरोखे का। तो वो सीन यहाँ से इस प्रकार से फिल्माया गया था, ये नज़ारा है। और फिल्म का एक सीन कुछ इस तरह से फिल्माया गया था, जब यहाँ पर अमित जी बैठ कर लोगों को अपना फैसला सुनाते हैं, और लोग जो नीचे खड़े हुए होते हैं सभी, तो यहीं का वो नज़ारा है। और फिल्म में एक सीन जो है यहाँ पर बहुत करीब से फिल्माया गया था, इसमें आप देख सकते हैं पत्थर थोड़ा मुड़ा हुआ है और पीछे के एक दो झरोखे दिख रहे हैं, लेकिन मेरा जो फ़ोन का कैमरा है इसमें क्या करूँ, सारे झरोखे आ रहे हैं तो इनको मैं रोक नहीं सकता। तो आप देख लीजिएगा पूरे झरोखे दिख रहे हैं और इसमें ये मुड़ा हुआ दिख रहा है। तो अभी हम मकबरे के ऊपर चलते हैं और वहाँ से कुछ सीन फिल्माए गए वो हम आपको दिखाते हैं, और फिर यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जल्दी हमें इसलिए है क्योंकि अभी
दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम सोच रहे थे कि आज ही हम तेरे नाम फिल्म का जो है वहाँ पे सीन लिया गया था पागलखाने का, वो जगह भी आपको दिखा देते। वो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ भी काफ़ी टाइम लगेगा। वो जो पागलखाना दिखाया गया था तेरे नाम फिल्म में, वो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए यहाँ से फटाफट से आपको सीन दिखाते, फिर वहाँ पहुँचते हैं तेरे नाम फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर। और ये देखिए, अमित जी के लिए जो टेबल बनाई गई थी बैठने के लिए यहाँ पर, वो ऐसे कुछ 3 पत्थरों से बनाई गई थी। 2 पत्थरों को नीचे ज़मीन में गाड़ा गया था और 1 पत्थर को उसके ऊपर रखा गया था। तो 1 पत्थर तभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और बाकी है नहीं यहाँ पर। और पेड़ जो है वो यहाँ पर था पहले, देखिए यहाँ पर गड्ढा हो रखा है अभी भी। और यहाँ पर अमित जी बैठते हैं, तो एक सीन इस तरह से फिल्माया गया था फिल्म में, जो पीछे से सीन लिया गया था और नीचे काफ़ी सारे लोग खड़े थे, तो यहीं का सीन था वो। और जब नीचे से सीन शूट कर रहा था तो वहाँ पर एक सीन और लिया गया था, एक लोहे के एंगल का। तो देखिए यहाँ पर लोहे के एंगल रखी है, इसका भी सीन दिख रहा है स्क्रीन शॉट में। अभी मैं दोबारा से आपको स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, इसमें देखिएगा ये लोहे के एंगल लगी हुई है। तो ये लोहे के एंगल जो है इसी साइड में लगी हुई है, एक तो यहाँ पर लगी हुई है और एक वहाँ पर लगी हुई है उधर साइड में, बाकी इधर साइड में लोहे के एंगल नहीं है और दूसरे साइड में भी नहीं है। तो चलिए यहाँ से कुछ सीन दिखा देता हूँ मैं, बहुत अच्छा सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। देखिए 2 मकबरे इधर बने हुए हैं और इधर भी कुछ नज़ारा है। और अभी हम उधर जाने वाले हैं सीधा, देखिए वहाँ पे उधर इतिहास फिल्म के गाना शूट हुआ था। ये देखिए यहाँ पे एक मकबरा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है पत्थर पे। और ये चारों तरफ से ऐसा ही बना हुआ है, इधर से भी दिखाते हैं आपको, देखिए डबल हैं इधर। ये देखिए कितना गजब का सीन आ रहा है। और एक इधर बना हुआ है, ये बहुत शानदार नक्काश की गई है, बहुत ही गजब का नज़ारा आ रहा है। और इधर भी देखिए सामने, वो एक इधर बना हुआ है मकबरा, एक इधर बना हुआ है। और ये देखिए, ये तो मुझे लगता है काफ़ी पुराने टाइम का है और इसकी मरम्मत भी शायद नहीं की गई है। ये देखिए, अभी हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें मिली है इतिहास फिल्म की शूटिंग लोकेशन, जहाँ पर इतिहास फिल्म का गाना शूट होता है, तो वो यहीं पर होता है गाना शूट। और इधर ये सारे मकबरे दिखाए गए हैं और कुछ इनका भी सीन लिया गया है इधर से। और अभी हम इधर से आ रहे थे, तो चलिए चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं सीन। यहाँ पर जितने भी मकबरे बने हुए हैं सभी का यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है और विवरण भी दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सब कुछ। तो फिल्म इतिहास का गाना जब शूट होता है तो सर्वप्रथम यहीं से सीन शूट किया जाता है। तो उधर उस साइड में इस कॉर्नर पे अजय देवगन सर निकल के आते हैं और ये पूरा सीन ऐसे कैसे दिखाया जाता है आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं पूरा नज़ारा। ये दोनों टॉम दिखाई गई हैं और ये जो 2 होल हो रखे हैं ये भी दिखाए गए हैं और ये जो यहाँ पर छत हो रखी ये भी दिखाई गई है फिल्म में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ, नेक्स्ट सीन कहाँ से शूट किया गया था वो देखते हैं। और अभी हम आपको यहाँ से सीन दिखाते हैं कुछ। ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं लेकिन सभी एक ही डिज़ाइन में बने हुए हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस है लेकिन थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए, और जहाँ तक मुझे लगता है फिल्म का एक सीन जो है यहाँ पर शूट किया गया था, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरा सीन यहीं पे मैच हो रहा है। तो अभी हम जिस मकबरे पे थे उसे थोड़ा नीचे आ गए हैं और ये वही मकबरा है जिस पर सूर्य बंसम की शूटिंग हुई थी, आप देख सकते हैं बाहर से नज़ारा। जितना सीन मुझे यहाँ पे मिला इतिहास फिल्म का वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बाकी सीन मुझे यहाँ पे मिल नहीं पा रहे हैं। तो बाहर चलते हैं गेट पर और गार्ड साहब से पूछते हैं कि इतिहास फिल्म के और भी सीन यहीं पर फिल्माए गए थे या फिर वो कहीं दूसरी जगह फिल्माए गए थे। अगर वो यहीं पर आसपास कहीं फिल्माए गए हैं तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर वो मिल गए तो, अगर नहीं मिले तो फिर हम जल्दी से पहुँचते हैं उस फोर्ट पर जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, गोलकुंडा फोर्ट। तो फिर वहाँ पर चल के दिखाते आपको तेरे नाम फिल्म का पागलखाना। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए थे सतेंद्र भाई तेरे नाम फिल्म का पागलखाना हमें दिखाइएगा। और जानकारी लिए मैं आपको बता दूं, तेरे नाम फिल्म में जो कॉलेज दिखाई गई थी वो हैदराबाद की सिटी कॉलेज है, तो वहाँ भी मैं जाने की कोशिश करूँगा। अगर कॉलेज के अंदर वीडियो अलाउ करते हैं तो वहाँ का भी मैं आपको नज़ारा दिखा दूँगा। तो चलिए अभी चलते हैं और पूछते हैं गार्ड साहब से। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर क्योंकि हमें पहुँचना है जल्दी से गोलकुंडा फोर्ट। तो गार्ड साहब से हमने यहाँ पे पूछा था गेट पे कि गार्ड साहब ये हमें सीन बताइए कि यहीं के हैं या फिर बाहर के हैं, तो वो बता रहे थे कि ये 100% अंदर के ही सीन है। तो यहाँ पे इतने सारे मकबरे हैं, हमने खूब कोशिश भी की ढूंढने की लेकिन हम वो ढूंढ नहीं पाए, बाकी सीन तो गार्ड साहब अंदर के बता रहे थे सभी।
और एक सीन में वो जो लोहे की एंगल लगी थी, आप यहाँ पे देखना स्क्रीनशॉट में बताए थे कि ये लोहे की एंगल अभी निकाल दी गई है, पहले यहाँ पे लगी हुई थी। तो जितने सीन थे, हालांकि यहाँ पे 2-3 सीन हमें मिल ही गए इतिहास फिल्म के भी, तो अभी चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जो आएगा तेरे नाम फिल्म का पागलखाना, और उससे अगला वीडियो आएगा फिर फिल्म सिटी का, और उससे भी आगे आएगा एक फिल्म और है सलमान खान की जो यहीं पर शूट हुई थी, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।